हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर संतोष कुमार ने जानना चाहा है कि गुड्स ट्रेन के सभी वैगन अलग अलग जोन का क्यों होता है, क्योंकि सभी एक ही जगह से आते जाते हैं। मतलब कि इन्होंने गुड्स वैगन के अलग अलग जोन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहा है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी जोन को कितना गुड्स वैगन देना है, यह कैसे डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि ऐसा नहीं है कि गुड्स वैगन एक ही जगह से आते जाते हैं। इंडियन रेलवेज के प्रत्येक जोन में वहां की जरूरत के अनुसार अलग अलग टाइप के गुड्स वैगन उस जोन को अलॉट किए गए हैं, जिसकी देखरेख उस जोन के द्वारा की जाएगी, लेकिन इन सब का मालिक इंडियन रेलवेज ही रहेगा। जिस किसी जोन को जो वैगन अलॉट किया जाता है, उस पर उस जोन का नाम मेंशन कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि गुड्स वैगन में जो कि माल लोड किए जाते हैं, वह पर्टिकुलर उसी जोन में सामान को पहुंचाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्हें उस सामान को लेकर अपने से दूसरे जोन में भी जाना पड़ सकता है, या फिर रेलवे को छोड़कर किसी और प्राइवेट कंपनी में भी जाना पड़ सकता है। तब अपने से बाहर जोन पर उस वैगन का हिसाब किताब कौन रखेगा? इसके लिए रेलवे में एक रूल बनाया गया, जिसे कि वैगन पूलिंग बोला जाता है। वैगन पूलिंग का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जोन का वैगन अपने जोन से बाहर किसी दूसरे जोन में जा सकता है, और दूसरे जोन का वैगन उस जोन में आ सकता है, और ये सभी जोन उस वैगन को यहाँ तब तक यूज कर सकेंगे जब तक उतने वैगन वे दूसरे जोन को वापस नहीं करेंगे। दोस्तों, इसीलिए आपने गौर किया होगा तो गुड्स वैगन पर देखा होगा कि किसी दूसरे जोन का वैगन किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर यूज किए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस जोन के उतने वैगन उस जोन में गए होंगे। इसी तरह से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी वैगन को शेयर करता है। मतलब कि वहां के उतने वैगन यहाँ तब तक यूज किया जाएगा जब तक कि वो सारे वैगन यहाँ से वापस नहीं करेंगे। दोस्तों, ये तो बात हो गई वैगन पूलिंग की, जहां वैगन के बदले वैगन इंटरचेंज हो रहा है। लेकिन इस वैगन को किसी ऐसे जगह पर भेजा जा रहा हो जहां वैगन इंटरचेंज नहीं हो सकता, जैसे कि किसी प्राइवेट प्लांट में, वहां रेलवे अपने वैगन को एक फिक्स टाइमिंग के लिए देती है। उस टाइम से अधिक समय होने पर उस कंपनी के द्वारा डैमरेज चार्ज लिया जाता है। दोस्तों, आपने वैगन के डिस्ट्रीब्यूशन को तो समझ लिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब बारी आती है इसके मेंटेनेंस की। इसीलिए इसके लिए एक रूल बनाया गया कि हर 3 साल के बाद वैगन की पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के लिए सभी जोन एक दूसरे को वैगन को वापस करेंगे, और यह उनकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इसीलिए सभी वैगन पर R/वापसी के साथ डेट लिखा होता है कि इस डेट के दिन वैगन को उस जोन को आपको वापस कर देना है। वहीं अगर बात करें वैगन किसी प्राइवेट प्लांट के अंदर जा रही हो, तब वहां पर एक वैगन की चेकिंग करके एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट काउंट कर लिया जाता है, और जितने भी वैगन वहां गए होते हैं उतना पैसा उस कंपनी से ले लिया जाता है। इस तरह से रेलवे में गुड्स वैगन की डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस की जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।